समथिंग गाइस, दिस इज समर फ्रॉम यंजूस। और पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें फिरदौस आशिक कुमार साहिबा एक असिस्टेंट कमिश्नर को जाट पिला रही थी, ठीक है। तो अब उसका एक जहाँ से वो वीडियो एडिट की गई, ठीक है, मतलब कि कट की गई, सॉरी एडिट नहीं, कट की गई, ठीक है, उसका जो पहला हिस्सा है, ठीक है, या उससे जो लिंक हिस्सा है पहला, बाद में वो आप देख लीजिएगा। तो आई थिंक ये पहला हिस्सा है, तो वो मैं अब आपके सामने शेयर करता हूँ। तो बेसिकली ये है कि ये ब्यूरोक्रेट्स की वैसे ड्यूटी है कि वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दें। अगर वो ये कहते हैं कि वहाँ रश ज़्यादा है तो हम जा नहीं सकते, तो वाम भी जाते हैं, तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर कमिश्नर या डीसी वगैरह को भी जाना चाहिए। ये तो कोई तुक नहीं ना बनती। बाकी अल्लाह हम सब पे अहमद फरमाए, तो आए ये वीडियो देख लें। एसी वाली गाड़ी में मेरा भी दिल चाहता है, मैं बैठूंगी। हम सब का दिल चाहता है सुकून करें अपने अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। लेकिन हम यहाँ खज्जल हो रहे हैं कि जिन लोगों को हम जवाब दे रहे हैं वो लोग जो है हमसे क्या तवक्को करते हैं। तो अक्सर शाही की भी कारस्तानी है, ये हुकूमत भुगत रही है। आप पीछे पीछे छुप रहे हैं, आप फेस करें आगे, ये बताएं, ये देखें ना, ये क्या है, ये क्या गर्मी से हो गया, रिप्लेस करें, इमीडिएटली रिप्लेस करें। आपकी ये ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना थर्ड क्लास फ्रूट है यहाँ से उठवाएं। मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इसमें ये लोगों के लुटेरों के हाथों लोगों को छोड़ दूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे है। तो आपका फर्ज, आप तनख्वाह इस चीज़ की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज़ की नहीं लेती हूँ, आप लेती हैं कि यहाँ देखें क्या गलत हो रहा है। अच्छा, तो इस पे वो कह रहे हैं कि इस पे आराम से भी बात की जा सकती है। यार ये क्या अजीब है, क्या ये लोग खुद अपने घर के लिए ऐसा फल लेके जाएंगे? और क्या ये नई ड्यूटी बनती है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर कमिश्नर या जिसकी भी वो ड्यूटी है वो जाके वहाँ रमज़ान बाज़ार का विज़िट ना करे? तो अगर ये लोग नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? अगर ये कहते हैं वहाँ रश ज़्यादा, तो बाकी आवाम का नहीं रश ज़्यादा, तो एस ओ पीज पे फॉलो किसने कराना? किसी वो MNA MPA ने तो आके नहीं ना कराना? लॉ एंड ऑर्डर तो ये पुलिस हो गया, यहाँ ये बाकी डिपार्टमेंट्स हो गए, ये ब्यूरोक्रेसी होगी, ठीक है, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर वहाँ मेंटेन करना होता है। तो ये थी आपके साथ खबर वाक्य की। तो इसके मुकाबले में भी आई थिंक एक वीडियो थी कि जब आई थिंक असिस्टेंट कमिश्नर जा रही थी, तो उनका मीन था कि ये बात बैठ के भी हो सकती है। लेकिन आई थिंक बैठ के क्यों हो सकती है? असूली तौर पर तो जो भी अवामी ये नुमाइंदे हैं, ये तो मुलाज़म है ना अवाम के, इन्हें तो सरेआम इनका वो पूछ गुछ होनी चाहिए। इसी तरह जो अदालतों की कार्रवाई है, आई थिंक वो भी खुलेआम जो ये करप्ट अफसरों के साथ होते मुकदमे, ठीक है, वो भी खुलेआम होने चाहिए ना, ताकि सबको पता चले क्या कार्रवाई हो रही है। तो बाकी अल्लाह ताला हम सब पे अमल फरमाए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।